हेलो एवरीवन दिस इज मेघा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो मैं स्किन केयर एकज करी जहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन नाइट स्किन केयर रूटीन वीकली केयर रूटीन और बॉडी केयर रूटीन भी शेयर कर दिया है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो मैं यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगी सो टूडे बी शेयरिंग माई अंडर केयर रूटीन विथ यू गाइस अगर आपका डार्क अंडर है या फिर स्मेल आता है अंडर से तो आप ये वाला मतलब रूटीन जो है वो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो सो so, Without any further ado, let's get started. सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ बी बॉडी वाइज का टेन परसेंट एच है बॉडी स्क्रब स्क्रब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका पिगमेंटेशन है तो ये वाला स्क्रब से थोड़ा सा ही लाइटन होता है और अगर इनग्रोन हेयर कुछ होगा तो चला जाएगा इसलिए मैं अच्छी तरीके से पहले स्क्रब कर लेती हूँ ऐसे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन पर मसाज करती हूँ और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से धो ले के मैं टाल से पोच लेती हूँ उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ एलोवेरा जेल सो दिस एलोवेरा जेल इज़ बाई ऑर्गेनिक हार्वेस्ट आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते प्लीज ड्राई शेव बिल्कुल भी मत करना उससे अंडर आर्म ज्यादा डार्क होता है आप कोई भी एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो पहले उसके बाद ही शेव करो फिर मैं यूज करती हूँ हफ्ते में एक बार ये वाला रूटीन करती हूँ आप ये वाला रूटीन करके देखो जो भी स्मेल होगा और डार्कनेस होगा तो वो भी लाइट हो जाएगा अगर आपके हेयर ग्रोथ ज्यादा है तो आप ज्यादा कर सकते हो बट मैं सजेस्ट करूंगी इतना ज्यादा भी मत करो उससे डार्कनेस बहुत ही ज्यादा होता है शेव करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र आप बॉडी लोशन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे मैंने यूज किया है हम अपने फेस को जैसे केयर करते हैं मुझे लगता है हर चीज को वैसे ही केयर करना चाहिए उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी एक घंटा दो घंटा तक वेट करूंगी फिर उसके बाद मैं यूज करती हूँ एक क्ले मास्क अगर आपका डार्कनेस बहुत ही ज्यादा हो गया है तो तो आप क्ले मास्क यूज कर सकते हो कोई भी क्ले मास्क आप यूज करो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो तो स्मेल भी बहुत अच्छा है फिर कुछ देर रखने के बाद मैं इसको धो लूंगी और उसके बाद मैं यूज करूंगी बी बॉडी वाइज का फोर परसेंट एच है बी एच अंडर आर्म रोल ऑन ये आपके जो पिगमेंटेशन होता है बहुत अच्छी तरीके से कम करता है ओवर द टाइम और जो बॉडी ऑर्डर होता है उसको भी कंट्रोल करता है अगर आपको फ्रेग्रेंस पसंद नहीं एक नो फ्रेग्री का आता है और एक फ्लोरा और एक वाटरमिलन का आता है थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाके लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए मैं यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का नाम डाल दूंगी बाबा गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो